शाहिद शेख और एरिका फर्नेस के ब्रेकअप का आखिरकार सच क्या है। जी हाँ, यूं तो हर कोई यही कहता हुआ नजर आता है कि शाहिद शेख ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से एरिका को छोड़ दिया, जिसको लेकर ढेर सारी सुर्खियां भी सामने आई। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर एरिका और शाहिद शेख के ब्रेकअप का पूरा सच क्या है, क्या इनके बीच कोई रिश्ता था भी या नहीं, या फिर सिर्फ दोनों एक अच्छे दोस्त थे। और उसी के साथ हम ये भी बताने वाले हैं कि आखिर शाहिद शेख ने एरिका और पार्थ की केमिस्ट्री पर यूं कहें कि डेटिंग पर क्या कुछ बोला। ये सारी चीजों और ये सारी जो बातें हैं आज हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि आखिर एरिका ने क्या कुछ कहा था शाहिद शेख से ब्रेकअप पर, और उनका कैसा रिश्ता था, और साथ ही शाहिद शेख ने क्या कुछ बोला है पार्थ और एरिका के रिश्ते को लेकर। ये सारी खबरें, ये सारी जो बातें हैं हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं और दिखाते हैं साथ साथ क्या कुछ बोला है एरिका और शाहिद शेख ने। टीवी इंडस्ट्री में यूं तो ढेर सारे कपल्स बनते हैं और उनकी काफी चर्चाएं भी होती हैं, और फिर एक ऐसी खबर आती है जो कि हर किसी को हैरान कर देती है, और वो खबर होती है ब्रेकअप की। आज हम बात करने वाले हैं टीवी के ऐसे ही कपल के बारे में जिनका ब्रेकअप काफी सुर्खियों में छाया रहा। लेकिन आखिर ब्रेकअप का सच क्या है, इसका खुलासा भी आज हम करने वाले हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के प्यारे से कपल। जी हाँ, एरिका और शाहिद शेख, जिन्हें आप सभी देव और सोनाक्षी के नाम से भी जानते हैं। वेल, इनकी यही लव स्टोरी शो में शुरू हुई थी और रियल लाइफ में भी इनका प्यार इसी तरीके से बरकरार होता हुआ नजर आया था। लेकिन खबरों की माने तो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर फिर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया, और वो खबर रही दोनों के ब्रेकअप की। पर आज हम इसके पीछे का पूरा सच आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। आपको बता दें कि एरिका ने साफ साफ शब्दों में यही बताया है कि एरिका और शाहिद जो है एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था उनके बीच। जी हाँ, आपको बता दें कि रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक अच्छी बॉन्डिंग दोनों शेयर करते थे। और साफ साफ एरिका ने यही बताया है कि पब्लिकली किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहिए जस्ट टू फिल द स्पेस, और अपनी बातों को मनाने के लिए आप किसी को पब्लिकली इंसल्ट नहीं कर सकते, ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छे दोस्त की खासियत होती है, अपने दोस्त की तरफदारी करना और उसे बुरे लोगों से बचाना, और अगर कोई उसको इंसल्ट कर रहा है तो उसे भी समझाना। कहीं ना कहीं एरिका ने ये बात साफ कर दी कि शाहिद और वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे और कुछ भी नहीं। और आपको बता दें कि एरिका और शाहिद आज भी अच्छे दोस्त हैं और दोनों काफी अच्छी बॉन्डिंग या यूं कहें स्पेशल बॉन्डिंग शेयर करते हैं। वेल, जब प्यार ही नहीं था तो ब्रेकअप का तो कोई सवाल ही नहीं है, बस दोनों अच्छे दोस्त थे और र्यूमर खबरें जो होती हैं वो तो बनती ही रहती हैं। पर शाहिद और एरिका की यही दोस्ती जो है आज भी बरकरार है और काफी शानदार है। सोनी टीवी के पॉपुलर शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी से फेम पाने वाले द वेरी हैंडसम एंड फेमस एक्टर शाहिद शेख, जी हाँ, जिन्हें आप सभी ने हाल ही में ही कलर्स टीवी के शो दास्ताने मोहब्बत में देखा था, जहां उनकी बेहतरीन एक्टिंग ने सभी का दिल भी जीता था। जैसे कि आप सभी को याद ही होगा कि कुछ रंग प्यार के ऐसे में शाहिद शेख के साथ नजर आई थी एरिका फर्नेस। दोनों की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया था। सिजलिंग केमिस्ट्री की बात करें तो दोनों की केमिस्ट्री भी फैंस को काफी ज्यादा भाई थी। तो वहीं जैसे कि आप जानती हैं कि एरिका इन दिनों नजर आ रही हैं स्टार प्लस के पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी के 2 में, जिसमें वो निभा रही हैं प्रेरणा का रोल। उनके साथ नजर आ रहे हैं पार्थ मथान एज अनुराग। अनुराग प्रेरणा की कहानी यूं तो हर किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन खबरों की माने तो ऐसी खबरें इन दिनों काफी चल रही हैं कि पार्थ तो एरिका कर रहे हैं एक दूसरे को डेट। अब खबरों की माने तो शाहिद ने किया है इस पर रिएक्शन। जी हाँ, आपको बता दें कि पार्थ और एरिका के रिश्ते को लेकर शाहिद ने बोली है ये बातें। एज पर रिसोर्सेज बता दें कि शाहिद ने ये बोला है कि दे आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कपल। जब इन्हें कसौटी जिंदगी के लिए चूज किया गया तो बहुत ज्यादा खुशी मिली, और हर जगह सोशल मीडिया पर यही चल रहा है इन दिनों कि दे आर डेटिंग ईच अदर। ये सारे र्यूमर्स है, कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है। तो वहीं एरिका को लेकर भी शाहिद ने ये बोला है कि दैट एरिका इज अ बट आई एम नॉट डेटिंग हर। कहीं ना कहीं आप सभी को याद ही होगा कि शाहिद और एरिका के रिश्ते को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आई थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन बता दें आप सभी को, शाहिद ने बोला है ये सारी बातें होती हैं जो लोग ऐसा ज्यूम करते हैं क्योंकि हम सेट पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एक साथ खुश रहते हैं और फनी टाइम स्पेंड करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, और शाहिद जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही खुश हैं एरिका को कसौटी जिंदगी में देखकर। नेक्स्ट।
सोनी टीवी के पॉपुलर शो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी के एक्स कपल, जी हाँ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एरिका और दूसरी तरफ शाही शेख के बारे में। एरिका जिन्हें आप इन दिनों कसौटी जिंदगी 2 में प्रेरणा के रोल में देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शाही शेख जिन्हें आप सभी ने दास्तान मोहब्बत में देखा होगा, जहाँ उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग दिखाई। जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग दिखाई उसी तरीके से वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर भी हैं। तो वहीं आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शाही शेख को आखिर क्या ऐसा नापसंद है एरिका फर्नांडिस को लेकर। सो एज पर द रिसोर्सेस हम बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान जब शाही शेख से पूछा गया एरिका फर्नांडिस को लेकर ये सवाल कि आपको क्या ऐसा है जो अच्छा नहीं लगता है एरिका को लेकर, तो शाही शेख ने ये बोला, खबरों की माने तो उन्होंने ऐसे बोला, शी इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव इन गेम्स, कहीं ना कहीं गेम्स में बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं एरिका। और उसी के साथ उन्होंने ये भी रिवील करा कि वो उनके काम को कितना पसंद करते हैं और उनके साथ काम करना उन्हें कितना पसंद था। वेल, शो भले ही ख़त्म हो गया है, दोनों की जोड़ी भले ही टूट गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक साथ बहुत ही पसंद किए जाते थे और दोनों की ये केमिस्ट्री आज भी फैंस बेहद याद करती है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से एरिका जो है वो शाही शेख को सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी, दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ दोस्ती थी। फिर भला ये रिलेशनशिप की खबरें कहाँ से आ गई, कुछ ना कुछ तो जरूर स्पेशल होगा दोनों के बीच में, तभी रिलेशनशिप की खबरें जो है वो तेजी से सामने आई और फिर ब्रेकअप की खबरें सामने आई, क्योंकि बिना कुछ हुए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रिलेशनशिप की खबरें सामने आए। लेकिन जहां तक एरिका ने बोला है और जहां तक खबरें हैं वो खबरें यही हैं कि एरिका जो है वो शाही शेख को अपना सिर्फ अच्छा दोस्त मानती थी, दोनों के बीच में दोस्त ही ज्यादा कुछ और नहीं था। तो वही शाही शेख ने भी पार्थ और एरिका के रिश्ते को लेकर यही सब कहा है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं और अगर साथ में है भी तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं शाहिर और एरिका अपनी अपनी लाइफ में काफी ज्यादा बिजी हो गए हैं, दोनों को एक दूसरे से इतना मतलब नहीं है, लेकिन आज भी दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। पर फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी लग रहा है कि एरिका और शाही शेख के रिश्ते में कुछ तो बात थी तो जरूर बताएं कमेंट्स में अपनी राय। लेकिन फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।